तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। सबसे पहले जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले गोल्डी भाई से रिलेटेड। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक Q&A किया था, तो उनमें से जो मेन मेन क्वेश्चन मुझे लगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उनसे वैलोरेंट लाइनअप के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा कि अभी तो कोई भी लाइनअप नहीं आ रही है एंड इंडिया से तो लाइनअप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम है। तो इससे तो यही लगता है कि जो लाइनअप है उसको आने में टाइम लगेगा एंड कुछ इंटरनेशनल साइनिंग होने वाली है। एंड साइनिंग के बाद चली रही है, तो गोल्डी भाई से भी पूछा गया कि जो 8-bit क्रिएटिव्स है उसकी नेक्स्ट साइनिंग क्या होने वाली है। तो इसका रिप्लाई देते उन्होंने कहा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वो साइन करने वाले हैं। एंड जिनको भी नहीं पता उनको बता दूँ कि कुछ समय पहले ही 8-bit क्रिएटिव्स ने ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को भी साइन किया था। एंड जैसा कि हम सबको पता है कि SATL में भी बहुत सारे नए नए क्रिएटर्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड गोल्डी भाई से पूछा गया कि जो मेंबर्स है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो कोई नए बूट कैंप का प्लान है क्या। तो इसका रिप्लाई देते हुए गोल्डी भाई ने कहा कि जब ये वाला भर जाएगा तो नया ले लेंगे। एंड हम सबको पता है कि जो पहला बूट कैंप था SATL का, जब वो छोटा पड़ने लगा तो SATL वालों ने नया बूट कैंप ले लिया था, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एंड इसी के साथ साथ गोल्डी भाई का एक सवाल ये भी आया था कि जो T1 प्लेयर ने उन्हें अब्यूज़ किया था उसका नाम बता दो ताकि फिर से ऐसा कुछ ना हो। तो इसका रिप्लाई देते हुए गोल्डी भाई ने कहा कि नाम बताने को तो मैं बता दूँ, लेकिन उसके वजह से उसके टीममेट्स और ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत प्रॉब्लम होगी एंड वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो यहाँ से तो यही लगता है कि गोल्डी भाई उस प्लेयर का नाम शायद नहीं बताएंगे। इसी के साथ साथ गोल्डी भाई से भी पूछा गया कि जो मर्चेंटाइज है SATL की वो कब तक आने वाली है। तो इसका रिप्लाई देते हुए गोल्डी भाई ने कहा कि उसमें अभी और डिले होने वाला है, अगले महीने में शायद मर्चेंटाइज देखने को मिल सकती है क्योंकि वो क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। एंड गोल्डी भाई ने टीम सोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में भी बात करी एंड लिखा कि मैं टीम सोल से रिलेटेड आंसर स्टार्टिंग से ही नहीं देता हूँ। एंड गोल्डी भाई ये पहले भी कह चुके हैं कि वो अपने आप को ई-स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं, ई-स्पोर्ट्स का जो काम है वो मेनली थक भाई ही देखते हैं। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एंड जैसा कि हम सबको पता है कि जो कुजूरी थे वो SATL के वैलोरेंट लाइनअप में थे एंड लाइनअप डिसबैंड होने के बाद भी कुजूरी बूट कैंप में ही है एंड वो बूट कैंप से ही स्ट्रीम करते हैं। तो कुजूरी ने खुद ये क्वेश्चन पूछा था कि मुझे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो इसका रिप्लाई देते हुए गोल्डी भाई ने लिखा कि तू भाई है एंड इसके आगे कुछ भी नहीं कहना है। तो एक बार कुजूरी OP एंड SATL OP चैट में ज़रूर लिख देना। तो हमारी आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।